नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 16 अप्रैल चैत्री पूनम है। हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत चैत महीने से होती है और ये पहली पूनम है और आज है हनुमान जयंती। वर्षों से आपका यदि कोई काम ऐसा है जो नहीं हो रहा है, कोई इच्छा ऐसी जो अधूरी है, कोई शत्रु जो आपको बिना वजह परेशान कर रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, कोई बड़ा काम जो आपका अटक गया है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, शादी के योग नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरीके की मुसीबत से आप जूझ रहे हैं और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, दोस्तों आज के दिन हनुमान जी के पैर के अंगूठे पर अपने राइट हैंड का अंगूठा रखें। हनुमान जी के पैर का भी राइट पैर के अंगूठे पर अपने राइट हाथ का अंगूठा रखना है आपको और ये शब्द बोलने हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका काम होगा। ये शब्द दोस्तों आपको 4 बार बोलना है। कोई भी जीव है उसके पैर के अंगूठे में उसकी तमाम शक्तियों का वास होता है। जब भी हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं दोस्तों, हमें पता नहीं हम कहीं पर भी यूं चरण स्पर्श हो गए, ऐसे चरण स्पर्श ना करें, चरण स्पर्श करके उसके अंगूठे पर हाथ लगाएं ताकि वो जो आशीर्वाद आप उसे पाना चाहते हैं वो आपको आराम से मिलता है। आप अपने बड़े जनों के जब भी पैर छूते हैं, अपने गुरु के पैर छूते हैं, उसके अंगूठे पर हाथ लगा करके आप पैर छू लें गुरुवार के दिन, आपके गुरु ग्रह अपने आप मजबूत बन जाएंगे। वो आपको आशीर्वाद दे या ना दे, अंगूठे में बड़ी शक्ति होती है। मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड की थी, इसमें बताया था कि माता रानी की जब आप पूजा करते हैं, घर में कन्या बुलाते हैं, तो उनके पैर के अंगूठे को धोएं, उस पर कुमकुम हल्दी चढ़ाएं, है ना। तो हनुमान जी के पैर के राइट पैर के अंगूठे पर अपने राइट हाथ का अंगूठा रखें और उसके बाद आप इस चौपाई को बोलें। ये चौपाई बहुत ही मजबूत है, बहुत ही पावरफुल है। ध्यान से सुने, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दूर महासुख दीजिए। जय हनुमंत संत हितकारी, इसमें कहा गया है हे बजरंगबली, तुम संतों के हितकारी हो, मतलब जो सज्जन पुरुष है उनके हितकारी हो, उनके कार्य करने वाले हो। हे महाप्रभु, मेरा काम शीघ्र ही करें, मेरे काम को करने में आप विलंब ना करें। सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, हमारी ये प्रार्थना सुन ले हनुमान जी, जन के काज विलंब ना कीजिए, आतुर दूर महासुख दीजिए। हे प्रभु, तुरंत आए और हमें महासुख दे। ये चौपाई दोस्तों किसी भी काम की शुरुआत में भी यदि आप बोल देते हैं तो भी आपका काम सफल होता है। फिर आज तो हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी के पैर के अंगूठे पर अंगूठा जोड़ करके यदि आप इस शब्द को बोलते हैं, समझिए आपका काम कितनी जल्दी होगा। बस कोई भी उपाय आप करें, करें विश्वास से, श्रद्धा से, 4 बार बोल देने के बाद आप 4 बार ही राम का नाम लें और सिंदूर को अपने सिर पर लगा लें। आप देखेंगे दोस्तों बहुत जल्दी आपके काम होंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। काफी हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स लूट रहे हैं, काफी फ्रॉड लोग ऐसे हैं जो मेरा फोटो लगाते हैं और नंबर वो लोग अपना डालते हैं। जब आप नंबर डायल करते हैं आपकी बात उन फ्रॉड लोगों से होती है, वो लोग आपसे बात करते हैं और वहां जो लेडीज आपसे बात कर रही है वो बिल्कुल मेरे ही टोन में आपसे बात करती है, इसलिए आप धोखा खा जाते हैं, आपको लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो नकली बिना भदूरिया है, आप सावधान रहें। काफी जेंट्स हैं जो घूम रहे हैं
वो ये बता रहे हैं कि वो मेरे आश्रम में काम कर रहे हैं, वो मेरी ऑफिस में काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा कोई भी आदमी ना किसी को व्हाट्सअप कर रहा है, ना ही किसी से इस तरीके से बात कर रहा है। तो इन तमाम फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।